हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरी लाइव क्लास में। मैं पहली बार आपके सामने लाइव आ रहा हूं और मेरा प्रयास है कि अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आएगा और आपके कमेंट्स, आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा, वो मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज जो क्लास है ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में एक टॉपिक है, इनपुट डिवाइस, उसके ऊपर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो हम आगे बढ़ें उसके पहले थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे ताकि कुछ और व्यूवर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इसके पहले एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाला था जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर का डेफिनेशन आपसे शेयर किया था, साथ ही जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, कॉमन टर्मिनोलॉजी जो है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। इसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की चर्चा करते हुए जिन टॉपिक्स पर चर्चा की थी उनमें बेसिक्स, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज प्रोसेसिंग और व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इनके बारे में हमने पढ़ा था, जाना था, सीखा था। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रायः जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की तो आते हैं। कंप्यूटर क्या है, डेटा क्या होता है, बार बार ये टर्म हमारे सामने आता है। प्रोसेसिंग क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप हमारे इस चैनल पर वो वीडियो लगा हुआ है, आप जाकर के फिर से उसको रिव्यू कर सकते हैं। हम आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। प्रायः जब हम कंप्यूटर देखते हैं तो उसके साथ अटैच कई तरह के हार्डवेयर्स हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स उससे अटैच होते हैं, लेकिन इन हार्डवेयर्स में हम कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे कि कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, या बाकी जो डिवाइस है वो क्या काम करते हैं। तो हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे और एक प्रयास करेंगे कैसे हम आसानी से पहचान सकें कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, किस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट डिवाइस को डिफाइन करने से पहले हम अपने इस ग्राफिक्स को, इस एनिमेशन को एक बार फिर से देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि दो डिवाइस जो हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं। तो जो भी ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसे आप अभी यहां देख रहे हैं कि कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे जो भी डिवाइस होंगे जो किसी भी तरह का डेटा, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू तक पहुंचा रहे हों, उनको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन इनपुट डिवाइस। लेट्स सी, किसे कहेंगे इनपुट डिवाइस? ऐसे सारे डिवाइसेस जो सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे उनको हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। दैट इज डिवाइस थ्रू विच यूजर यूज टू सेंड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू इज नोन एज इनपुट डिवाइस। कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है,
हो सकता है आप तक मेरी बात रुक रुक तक पहुंच रही हो, डेटा जो है वो सिग्नल्स कमज़ोर पड़ जा रहे हैं जिसके कारण से आप तक स्ट्रीम थोड़ी स्लो पहुंच रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस शो होते हैं। हम उनके बारे में उनको देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में हम कितना जानते हैं, शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन जितना जानते हैं अगर हम उतना डिफाइन कर लें, उतना ही लिख लें, तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कुछ के नाम हम नहीं भी जानते हो। तो यहाँ एक लिस्ट है जिसके ऊपर मैंने प्रयास किया है जो कॉमन इनपुट डिवाइसेज हैं उनको लिस्ट करने की, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, MICR है। इनको हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं लेकिन या तो देखते हैं तो नाम नहीं जानते, या नाम जानते तो उनकी फंक्शनैलिटी को नहीं जानते। तो हम अभी आगे इन फंक्शनैलिटीज़ को भी देखेंगे, प्रयास करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या यूजेज है। आवर फर्स्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। हमारा जो कॉमन इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स बने होते हैं। प्रायः कीबोर्ड दो भागों में बटा होता है। एक कीबोर्ड आता है जिसमें सिर्फ अल्फा न्यूमरिक्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, लेकिन ऐसे भी कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें न्यूमरिक पैड अलग से दिया होता है। खैर, हम कह सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड्स आते हैं इन पर जो बटन्स होते हैं वो वैरी करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के आधार पर। अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं और उसके आधार पर इसके जो बटन्स हैं वो डिफरेंट, उनकी संख्या जो है अलग अलग हो सकती है या होती है। तो ये प्राय 101 to 108 बटन्स में वैरी करते हैं ये कीज़ होते हैं इस कीबोर्ड के अंदर। लेकिन अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड यूज़ किए जाते हैं। हम जिस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं उसको क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY, क्वालिटी कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड का जो नामकरण है वो फर्स्ट अल्फाबेटिक जो रो होता है, अल्फाबेट्स का जो फर्स्ट रो होता है कीबोर्ड में, उसके बटन्स के नाम को मिलाकर के बना दिया गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां देखिए ब्लिंक कर रहा है, आप अपने कीबोर्ड में भी देख सकते हैं। फर्स्ट रो जो है वो वहां लिखा हुआ है QWERTY, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया क्वालिटी कीबोर्ड। यह इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड होता है और हमारे रीजन में और एशिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कीबोर्ड है। सेकेंड टाइप है कीबोर्ड का QWERTYZ, सिर्फ एक बटन, एक की जो है वो चेंज हो जाता है, वाई की जगह जेड आ जाता है। तो ऐसे कीबोर्ड को हम QWERTYZ के नाम से जानते हैं। जर्मनी में और सेंट्रल यूरोप में ऐसे कीबोर्ड का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो कीबोर्ड का टाइप है वो है AZERTY, यहां फर्स्ट रो AZERTY होता है और इसका यूज फ्रांस के अंदर, ये कीबोर्ड फ्रांस के अंदर कॉमनली किया जाता है। एक और वेरिएशन है कीबोर्ड का, वो है डिवीरॉक। डिवीओरेक क्या है? DVORAK, डिवीओरेक। इसका नामकरण वैसे नहीं हुआ जैसे अन्य कीबोर्ड्स का हुआ है। डिवीओरेक जो है ये अन्य से अलग है। इसमें कीबोर्ड जो होते हैं इसके बटन्स जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर होते हैं और इसका नामकरण अन्य कीबोर्ड की तरह नहीं किया गया है। फर्स्ट रो आप जिसे कहते हैं फर्स्ट रो के आधार पर नहीं किया गया है। तो
हमने देखा कीबोर्ड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स जो हैं अलग अलग रीजन में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब हम लैपटॉप का यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टैब्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी कीबोर्ड्स होते हैं। वो टच स्क्रीन हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर भी कीबोर्ड्स होते हैं, लेकिन उसको वहाँ हम कीबोर्ड नहीं कह करके कीपैड कॉल करते हैं, प्रायः हम उसे कीपैड कहते हैं। कीबोर्ड के बाद जो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है वो है हमारा माउस। अब लैपटॉप में यूज करेंगे तो फिर माउस पैड की बात आ जाएगी, उसमें माउस पैड होता है जिसके ऊपर हम फिंगर से उसको ड्रैग करते हैं। लेकिन कॉमनली जो कंप्यूटर्स के साथ या लैपटॉप के साथ भी हम अटैच करके यूज करते हैं वो डिवाइस है माउस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि इसके को जब हम मूव करते हैं तो एक पॉइंटर, एक एरो मार्क जो है हमारे स्क्रीन पर शो होता है, और इसी के द्वारा हम अलग अलग कंटेंट्स को सेलेक्ट करते हैं या उसके ऊपर फंक्शंस करते हैं। तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और जब भी यूजर इसको मूव करता है इसका पॉइंटर भी मूव करता है। प्रायः नॉर्मली इसमें दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के साथ अब जो माउस आते हैं इसमें आप तीन बटन्स देख सकते हैं, लेफ्ट राइट के साथ साथ स्क्रॉलर, बीच में लेफ्ट और राइट बटन के बीच में इस एक स्क्रॉलर भी होता है। माउस का इन्वेंशन डगलस इगलबर्ट ने किया था। तो इन दो कॉमन डिवाइसेस के बाद जो थर्ड डिवाइस है हमारा, जो इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, वो है जॉयस्टिक। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन हमारे माउस से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें? माउस का मूवमेंट तब रुक जाता है जब यूजर अपने मूवमेंट को रोक देता है। जब वो अपने हैंड्स के मूवमेंट को रोक देता है, माउस का भी मूवमेंट, उसके पॉइंटर का मूवमेंट रुक जाता है। जबकि जॉयस्टिक का मूवमेंट उस दिशा में होता है, उसी दिशा में होता रहता है जिसमें हमने उसका मूवमेंट एक बार करके छोड़ दिया। यूजर ने जिस डायरेक्शन में उसके मूवमेंट को ले जा करके छोड़ा है वो उसी डायरेक्शन में तब तक काम करता रहेगा जब तक फिर यूजर जो है उसको चेंज ना करें। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है जॉयस्टिक और माउस के बीच। ओके, प्रायः हम इसका यूज जो है खास करके बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं गेम खेलने के लिए, आजकल बड़े भी यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम अगला अपना इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो है स्कैनर। स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कंटेंट्स होते हैं उसको वो रेज के द्वारा रिसीव करता है, रीड करता है, और रीड करके हमारे सीपीयू को दे देता है ताकि वो उसको उसका डिजिटल फाइल बना सके। स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट को सेंस करता है रिफ्लेक्शन के द्वारा, लाइट रिफ्लेक्शन से, और ये जो लाइट रिफ्लेक्शन है यानी जो रेज का रिफ्लेक्शन है रेज के द्वारा होता है, रेज इमिट होता है उस स्कैनर से, और उसके द्वारा वो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कंटेंट्स हैं उनको रीड करता है और रीड करके डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास स्कैनर दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं, एक हैंडल स्कैनर है और दूसरा फ्लैट बेड स्कैनर है। आप दोनों के फिगर्स यहाँ देख सकते हैं। हैंडहेल्ड स्कैनर को हम फ्लैट सरफेस पर मूव करते हैं, जबकि फ्लैट बेड जो है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं और फिर उससे हमारा ये डिवाइस स्कैन करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं जो है लाइट पेन। ड्राइंग के लिए, स्क्रीन राइटिंग के लिए आजकल इसका यूज़ बहुत ही कॉमन हो गया है। अभी आप मेरे हाथ में एक डिवाइस देख रहे हैं, यह लाइट पेन नहीं है लेकिन
ये लाइट पिन के का ऑप्शन है, इसको स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस के द्वारा भी हम इनपुट का काम करते हैं। लाइट पिन जो है वो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। यह पेन की तरह होता है और लाइट सेंसिटिव होता है। यस, इसका यूज़ हम कंटेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल खास करके जो कार्टूनिस्ट होते हैं इसका बहुत यूज़ करते हैं लाइट पेन्स का, और लाइट पेन की जगह आजकल स्टाइलस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो लाइट पेन या स्टाइलस हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, ये भी बहुत ही कॉमन है, माइक्रोफोन, जिसको हम प्राइम माइक कहते हैं। हम इसमें बोलते हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते समय हेडफोन्स लगाते हैं उसके अंदर भी माइक्रोफोन होता है, हेडफोन इंक्लूडेड माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है ये भी एक कॉमन इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम अपने सिग्नल्स को, वॉयस को इनपुट देते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हमारे वॉयस को वो गेन करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सीपीयू स्टोर करता है। तो ये भी एक इनपुट का अलग डिवाइस है, जिसको हम इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। क्या इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर आप सबों ने देखा हो, शायद मेरे ख्याल से आप सबों ने इस तरह का मार्कशीट देखा होगा, सॉरी आंसर शीट देखा होगा, जिसमें आपको डार्क करना होता है। सर्कल्स बने हुए होते हैं और उन सर्कल्स को आपको डार्क करना होता है, मार्किंग करनी होती है आंसर के लिए। तो ऐसे सीट्स का वेरिफिकेशन हम मशीन के द्वारा करते हैं। किस मशीन के द्वारा करते हैं? वही डिवाइस जिसका नाम OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम जो मार्किंग करते हैं, जो डार्क करते हैं आंसर शीट के ऊपर, उस डार्कनेस को रीड करना, उसको डिटेक्ट करना, उस मार्क को डिटेक्ट करना, इस OMR का काम है। OMR उन मार्क्स को डिटेक्ट करता है, रीड करता है जो OMR सीट्स पर बने हुए होते हैं, और फिर उनके रिजल्ट्स को फेच करके और स्टोर कर देता है। सो यह इनपुट डिवाइस एग्जामिनेशन लेने के बाद मार्किंग करने के लिए, आंसर शीट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है, वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR में जहां हम मार्क को रीड कर रहे थे, OCR मार्क के साथ साथ कैरेक्टर्स को भी रीड करता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कैरेक्टर को तो रीड करता ही है, सॉरी, जो मार्क्स को तो डिटेक्ट करता ही है, कैरेक्टर्स को भी रीड करता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं स्कैनिंग के लिए, वो उसको स्कैन करता है, रीड करता है, और रीड करके उसके कैरेक्टर्स को सेव करता है। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ एक, आप देख सकते हैं, बुक्स को स्कैन करते हुए आप मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं, या फिर एक OMR स्पेशल डिवाइस है उसके द्वारा कर रहे हैं, तो बुक्स में जो भी आपने लिखा है उन सारी चीज़ों को वो रीड करता जाएगा और आपके कंप्यूटर में सेव करता जाएगा। ये वन बाई वन भी हो सकता है, आप बैच फाइल के रूप में भी कर सकते हैं, आप पूरी पेज को भी एक साथ स्कैन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये कई तरह से काम करता है, उसकी बात हम अभी यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे। तो OMR क्या है? यह मार्क, सॉरी OCR क्या है? ये OMR की तरह मार्क तो डिटेक्ट करेगा ही, साथ में ये कैरेक्टर रीड करेगा। इसका भी यूज एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स को वेरीफाई करने के लिए, क्विक वेरिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? OCR का। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
आप बैंक अगर जाते हैं तो वहाँ आपको ये देखने को मिल सकता है, जहाँ आप देखेंगे कि चेक को उसके अंदर डाला जाता है और फिर निकाल लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो चेक के ऊपर चेक नंबर लिखा होता है और भी कुछ डिटेल्स होते हैं, तो उन डिटेल्स को स्कैन करना, उसका वेरिफिकेशन करना, उसको रिकॉर्ड जो है बैंक के पास उस रिकॉर्ड से मैच कराना है, ये सारी जिम्मेवारी होती है बैंक की। तो वो कैसे मैच कराएंगे? तो सबसे पहले MICR के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट्स को डालते हैं, जब चेक्स को इनपुट करते हैं, तो ये उसके कैरेक्टर को रीड कर लेता है। और ये जो कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर नॉर्मल पेन के द्वारा लिखे हुए नहीं होते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल से और आयरन ऑक्साइड से, मैग्नेटिक पार्टिकल या फिर आयरन ऑक्साइड से के मटेरियल से इंक बनाया जाता है और उसी इंक से इसकी छपाई की जाती है, इसके ऊपर ये कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इंक है, मैग्नेटिक इंक के द्वारा जो ये कैरेक्टर बनाए गए हैं उसको रीड कर लेना हमारे MICR का काम है, और ये इसको रीड करके हमारे CPU को पहुंचा देता है। फिर CPU जो है, या कह सकते हैं बैंक जो है, उस डेटा से अपने डेटा को मैच करता है, जिससे वेरिफिकेशन हो जाता है। सो MICR इज वाइडली यूज इन बैंकिंग सिस्टम। ये हमारा एक अनदर कैरेक्टर रीडर है जो कि मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर इम्पोज किए गए हैं, लिखे गए हैं, उसको रीड करता है। नेक्स्ट हमारा है BCR, बारकोड रीडर। प्रायः हम शॉपिंग करने मॉल्स में जाते हैं और जब बिल कराने जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ खड़ा जो सेल्समैन है वो क्या करता है, वो हमारे एक एक आइटम्स को उठाता है और एक हाथ में उसकी मशीन होती है, उसको स्कैन करता जाता है बारी बारी से। तो वो क्या करता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उस पर कुछ ब्लैक वर्टिकल लाइंस होती हैं अलग अलग थिकनेस की। तो ये जो बारकोड रीडर है BCR, उन्हीं बार्स को रीड करता है और उस बार के अंदर उस प्रोडक्ट का डिटेल होता है। तो इस बार को हम बार कोड भी कहते हैं। हर बार के एडजेसेंट एक कोड होता है और उस कोड के अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स उस प्रोडक्ट्स के रखे हुए होते हैं। तो इस बार को रीड करना और रीड करके उसके कोड को फेच आउट करना, फेच कर लेना, ताकि हम रेस्ट डिटेल्स को जान सकें, ये इसका काम है। तो बारकोड रीडर क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बारकोड्स बने होते हैं, सॉरी जो वर्टिकल बार्स बने होते हैं डिफरेंट थिकनेस को, उसको रीड कर लेता है और रीड करके वो फिर हमारे मशीन को पहुंचा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। आजकल आपके मोबाइल में डिजिटल कैमरा है, अन्य तरह के डिजिटल कैमरा हम प्रायः देखते ही रहते हैं, तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी हमारी इमेज को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। जैसे ही हम केबल प्लग इन करते हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को सेंड कर देता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करा देता है, सारे इमेजेस को दे देता है। सो डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। कैमरा, डिजिटल कैमरा के साथ साथ आजकल वेब कैमरा भी खूब यूज होता है। आप प्रायः कई जगहों पर CCTV देखते हैं, आपके लैपटॉप्स में कंप्यूटर के साथ अटैच भी कुछ कैमरा होते हैं, तो वेब, इन्हें हम वेब कैमरा कहते हैं, जिन्हें आप CCTV कैमरा कहते हैं, ये वास्तव में एक वेब कैमरा है, जिसको शॉर्ट में वेब कैम भी कहा जाता है। यह कैमरा एक वीडियो कैमरा है, स्टिल पिक्चर नहीं लेता, ये हमारे वीडियो तैयार करता है और सिस्टम को पहुंचाता रहता है, कंप्यूटर सिस्टम को देता रहता है। प्रायः इस तरह के जो कैमरे होते हैं वो लाइव काम करते हैं, वो डेटा स्टोर नहीं करते हैं। डिजिटल कैमरा जो होता है हमारे डेटा को स्टोर करता है टेम्पोरली अपने पास और बाद में वो सिस्टम को भी प्रोवाइड करा देता है। लेकिन
हमारा वेब कैम या वेब कैमरा लाइव मोड में काम करता है, जो कुछ उसे दिखता है, जो भी वो वीडियो कैप्चर करता है वो डायरेक्टली सिस्टम को पहुंचाता रहता है. सो इट इज़ ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक सेंसर. आज देश में हर कोई आधार के पीछे दौड़ रहा है, आधार बनवा रहा है, UID. आप जब UID सेंटर गए होंगे, आधार सेंटर गए होंगे, आधार केंद्र गए होंगे, तो आपने इसका यूज़ देखा होगा. आपने अपने फिंगर्स इस डिवाइस पे रखा, एक डिवाइस आपकी आंखों के पास लाया गया. ये क्या है? ये बायोमेट्रिक सेंसर्स हैं, इनको हम बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं. ये ह्यूमन बॉडी के बायोमेट्रिक डिटेल्स को सेव करता है और इसको स्टोर कर देता है. बायोमेट्रिक डिवाइस ना सिर्फ स्टोर करेगा बल्कि यह कंपैरिजन भी करता है. तभी हम जब पैसा निकालने जाते हैं और अगर वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम है और हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं या फिंगर इम्प्रेशन देते हैं, तो पैसा तब तक नहीं हम विड्रॉ कर सकते जब तक हमारे जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं वो मैच ना कर जाए डेटाबेस से. तो ये डेटाबेस से हमारे बायोमेट्रिक डिटेल्स को मैच भी करता है, ह्यूमंस के बायोमेट्रिक डिटेल्स को मैच भी करता है, तो कंपेयर भी करता है. बायोमेट्रिक डिवाइस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस, आजकल खूब यूज़ होता है, बैंकों के अंदर यूज़ हो रहा है, अलग अलग कंपनियां अटेंडेंस के लिए इसका यूज़ कर रही हैं. तो एक तो हो गया ये फिंगर के हमारे डिटेल्स को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, कंपेयर करता है. इसके साथ एक दूसरा डिवाइस है जो आइरिस कहते हैं, जिसको हम अपनी आंखों पर लगाते हैं, ये हमारे आंखों के बायोमेट्रिक डिटेल्स को कैप्चर करता है. तो आइरिस से फिंगर स्कैनर और आइरिस, ये दोनों बायोमेट्रिक डिवाइस हैं. बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर दो तरह के डिवाइस हैं, एक हो गया फिंगर स्कैनर और दूसरा हो गया हमारा आइरिस, जो आंखों के डिटेल्स को, हमारी आंखों के अंदर जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है उसको स्टोर करता है. ओके, तो आज हमने बहुत प्रकार के इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना, डिफरेंट जो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में चर्चा की. होप आपको समझ में आया होगा. अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको उत्तर निश्चित रूप से दिया जाए. अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में. उम्मीद है आप हमारा प्रोत्साहन करेंगे और आपके प्रोत्साहन, आपके कमेंट्स हमें और अच्छा करने पर प्रोत्साहित करते हैं. आग्रह करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, मित्रों या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो पढ़ते हैं साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं और कंटेंट्स को, अगर उनको कंटेंट्स में कहीं कोई परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आता है तो शेयर करें, हम प्रयास करेंगे उनका सहयोग करें. इस चैनल के पर हम साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, साइंस कंप्यूटर भी जो है वो साइंस का ही एक पार्ट है, इसलिए हमने इसको इसके अंतर्गत रखा है. हम धीरे धीरे साइंस के अदर प्रयास करेंगे कि अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको भी आपके सामने लाएं और आपको प्रोवाइड कराएं. थैंक यू. अब समय है आपसे विदा लेने का. अगर आपने कुछ कमेंट्स भेजे हैं तो मैं प्रयास करूंगा आपको जवाब इस सेशन के बाद दे दूं. सेशन के बीच में आपको जवाब देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, आप सोच सकते हैं नया हूँ इसलिए थोड़ी सी परेशानी है. थैंक यू, नमस्कार.